विषयान् राष्ट्रभोगान् सविष्टान् पश्चाचन्यान् शमतिर्विभवान् ज्योतिषाश्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेकान् पुनरपि सनयने स्वात्मनिष्ठापयित्वा अथर्ववेदीय मांडुकोपनिषद के द्वितीय प्रकरण जिसका नाम है वैदत्त प्रकरण, इसके ऊपर विचार करते हुए हम यहाँ पर उस जगह पर पहुँचा जब वेदांति कहते हैं कि जागृत भी मिथ्या है, स्वप्न की तरह निश्चित होने के कारण फिर साथ में जड़त्व परिच्छिन्न विकारित ये सब तो है ही यहाँ पर, इसीलिए ये मिथ्या व्यभिचार भी करता है। अभी एक रूप में दिखता है, बाद में कुछ दिन बाद को दूसरा रूप में दिखने लग जाता है, इस कारण से जगत एक वस्तु मिलता है। परंतु ये जगत मिथ्या होने पर भी जगत सृष्टा, जगत की कल्पिता, जगत को कल्पना करते हैं, इस प्रकार सात्विक वस्तु मिथ्या होने पर भी स्वप्न दृष्टा मिथ्या नहीं, ठीक इसी प्रकार जगत कल्पना मिथ्या होने पर भी कल्पना करने वाला जो है ईश्वर जो कल्पना वो मिथ्या नहीं है। तो इसलिए हमारे पक्ष में शून्य बात करें तो शून्य भी नहीं आता, कि हमारे यहाँ पर अधिष्ठान रूप में जो भ्रांति के सामान्य अंश रूप में जो विद्यमान रहता है जिसके ऊपर भ्रांत होता है विशेष रूप में, वो कभी मिथ्या नहीं है, ऐसा कभी प्रतिभा। तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि परंतु जो भ्रांति के अधिष्ठान के रूप में बचा हुआ रहता है वो तो किसी प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, परंतु आपका आत्मा तो प्रमाण गम्य नहीं है, इसलिए आपका सिद्धांत ही प्रामाणिक नहीं है। ऐसा कोई प्रश्न शंका उठाने पर कहते हैं देखो मैं जरूरी नहीं है कि प्रमाण के द्वारा गम्य हो, आपको समझ में आ जाना चाहिए बस आत्मा प्रमाण गम्य नहीं है, ठीक है, परंतु मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं जन्म लिया हूँ, मैं मर जाऊँगा, मैं बूढ़ा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, इस प्रकार मैं करके जिसके ऊपर ये सुखित्व दुखित्व बुढ़ात्व जन्मत्व मृत्युत्व को तुमने आरोप किया वो अधिष्ठान तुमको समझ में आता है कि नहीं आता, अनुभव में आता है। इसलिए ये जो है आत्मा अधिष्ठान को तो नहीं है, अगर प्रमाण के द्वारा नहीं जाना जाता, क्योंकि कोई भी शब्द सत्य वृत्ति से इसको प्रमाण तो नहीं कर सकते हैं। प्रत्येक शब्द का अपना एक निर्दिष्ट अर्थ होता है, शब्द के साथ अर्थ का इस संबंध का बोलते हैं शक्ति, शब्द की शक्ति। आत्मा के लिए कोई ऐसा शब्द नहीं है जो उसको सत्य वृत्ति से बोध करा सके, इसलिए अप्रामाणिक है, ऐसा कुछ शंका होने पर बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, हमको समझ में आता है कि मैं हूँ। और हाँ, उपाधि के साथ तादात्म्य करके हम अलग अलग अपने को मान लेते हैं, श्रुति केवल इतना मात्र करते हैं जो हमने अपने ऊपर गलत आरोप कर रखा उसको निषेध करके उसको मिटा देती है, इतना ही मात्र काम करते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे यदि ये सब धर्मों में से कोई भी एक धर्म यदि आत्मा जैसे आत्मा है इस प्रकार मैं आत्मा हूँ इसके तरह यदि मैं सुखी हूँ, यदि ये भी उस है के तरह एक स्थायी धर्म आत्मा का होता तब क्या होता, जब मैं दुखी हूँ तब जिस प्रकार मैं दुखी हूँ मैं और हूँ देखो आ रहा है, मैं उस समय सुखी तो नहीं आ रहा, यदि सुखित तो भी आत्मा की मैं या की तरह एक स्थायी धर्म होता तब इस समय जो भाषित होता था आप दुखित तो कभी अनुभव नहीं करेंगे, यानी ये उपाधि नहीं देते हैं, ये पारमार्थिक नहीं है, पारमार्थिक है मैं अपने अस्तित्व को हम समझ नहीं आते, यही पारमार्थिक है। इसको लेकर कल बताया था सुखित आदि निवर्तक शास्त्र असुखित करेगा आत्मस्वरूप और अशुकित्यादि और विशुकित्यादि व्यक्ति न अनुवृत्त अस्थि धर्म, जिस प्रकार मैं हूँ ये धर्म सभी में अनुवृत्त होता है, परंतु वहाँ पे जो सुखित्व दुखित्व आदि का अनुवृत्ति नहीं है, उसकी नहीं होती है। इसलिए तस्मा जिस प्रकार अग्नि के धर्म यदि उष्णता जैसे है तो वो उसके ऊपर हम शीतता उपाधिक आरोप करके बोल सकते हैं, अथवा जल की धर्म शीतता है उसमें उष्णता उपाधि के कारण आरोप करके बोल सकते हैं, क्योंकि उसका पारमार्थिक धर्म नहीं है, यदि होता तो हमेशा रहता,
परंतु वह सही रहे, इसलिए वो व्यभिचारी भाव है। तस्मात निर्विशेष एवं आत्मनि सुखितादय विशेषक, इस चीज को समझाने के लिए वास्तविक यदि अधिष्ठान निर्विशेष नहीं होता तभी सारा अलग अलग वस्तु वहाँ के विशेष रूप में प्रतीत नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें भी कोई विशेषता होती और विशेष के साथ मिल करके दिखाई पड़ता। ये निर्विशेष अधिष्ठान को समझाने के लिए ही जो है भगवद गीता में सप्तम अध्याय से लेकर के बारहवें अध्याय तक भगवान जो अपनी उपाधि के साथ अपने रूप को वर्णन करते हैं, उनका सारा रूप एक व्यक्ति कैसे हो सकता है, क्योंकि वो अपने आप स्वरूप से निर्विशेष है, इसीलिए उसके ऊपर सारा विशेष कल्पना होना संभव होता है। इसलिए बोलते हैं कि और बोलते हैं कि आपने बोला कि शास्त्र की प्रामाणिकता नहीं है, तो बोलते नहीं सिद्धांत विवर्त करता शास्त्र की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाता है। क्यों सिद्ध हो जाता है? क्योंकि भ्रांति को मिटाने के लिए हेतु बन जाता है। इस कारण से निवर्तकत्व भ्रांत निवर्तकत्व इस भ्रांति को मिटाने के लिए हेतु बन जाता है, इसलिए ये सब के प्रामाणिकता सिद्ध हो जाता है। यहाँ तक आज हम लोगों ने पढ़ लिया, आज हम लोगों का 33 में प्रवेश करना होगा ना, तो वहाँ पे देखिए क्या बोल रहे हैं टीकाकार अगले के लिए उत्तर उपखा दे रहे हैं, पेज 160, ठीक है। जब उत्तम निरोधादि अभाव से परमार्थता इति तद अनुक्तम, इसलिए वहाँ पे क्या बोला है, जब सभी मिथ्या है तो न निरोध न च उत्पत्ति, इसलिए ये किसी चीज को नाश करने का ये बदलने का इसका कोशिश ही मत करो, क्योंकि पारमार्थिक है नहीं वहाँ पे, तो पारमार्थिक है नहीं वहाँ पे। न निरोध दसमा दसमा उत्पत्ति और नाश की, यदि उत्पत्ति होती तब उसका नाश कर सकते थे, उस उसी प्रकार से यदि अपने आत्मा में अगर कोई कमी आ गई होती तब आप उसको मिटाने का, तब कुछ हुआ ही नहीं उत्पत्ति हुआ नहीं तो आपको क्या मिटाने का कोशिश करोगे। इसलिए बोलते हैं ना निरोध न तो उत्पत्ति, जब उत्पत्ति निरोध हुआ ही नहीं तो बद्ध बद्ध भी कौन होगा, साधना भी कौन करेगा। आत्मदृष्टि से देखेंगे तो कोई बंधन तो कल्पित है, अब कल्पित बंधन के मिटाने के जो साधन है वो भी कल्पित है। सपने को सपने में दिखाई दे रहा है सर को अथवा कुत्ता को मारने के लिए हमें सपने का ही रखनी चाहिए, वहाँ पे पारमार्थिक सच्चे रखी से व्यवहार करने जाएंगे हो सकता है आपका अपने हाथ पैर में चोट लग जाए। इसलिए वहाँ पे इसी प्रकार यहाँ पे ये जो माया नियंत्रण स्वयं भी व्यक्ति जो साधन भी है ना ये भी एक कल्पना है। इसीलिए सारा अवस्था को छोड़ कर बस सहज अवस्था में रहना ये सबसे उत्तम साधन है। ना उत्पत्ति ना निरोध ना जो उत्पत्ति ना बद्ध ना साधन, जब कोई बंधन ही नहीं है तो वहाँ उसके लिए मुक्ति के साधन कौन करेगा, इसलिए ना मुक्त ना मुमुक्षु। देखिए कितना लगता है कि भगवान भाष्यकार बोलते हैं मुमुक्षुत्व का अधिकारी की विशेषता है, और यहाँ पे बोलते हैं कि ये तो तुम्हारे अज्ञान की मान्यता दे करके ऐसा अधिकारी को कहा गया है। यदि आप निश्चय हो जाते हो कि बस हम तो नित्य मुक्त शुद्ध स्वभाव है, तो फिर क्या मुक्ति के लिए प्रयास करें ना आवश्यक है सभी प्रयासों को। अब जो आगे बोलते हैं देखिए जब उत्तम निरोधादि अभाव से आपने कहा निरोध उत्पत्ति बद्ध साधु मुक्त मुमुक्ष ये सब पारमार्थिक अभाव है, आपका कहीं युक्ति संगत नहीं है, तब अनुक्तम पूर्व संगत है। जब उत्तम निरोध आपने कहा निरोधादि अभाव से परमार्थता, मतलब ये सारा चीज का अभाव है पारमार्थिक कुछ नहीं है, ये जो आपने कहा तब अनुक्तम ये आपका युक्ति संगत नहीं है। क्यों नहीं है? आपको सारा संसार में जो भी कोई वस्तु सामान्य और विशेष रूप में दिखाई पड़ते हैं और आप बोलते हैं सारा निर्विशेष है। सामान्य मतलब इस प्रकार मनुष्य तो जाति ये सामान्य है और एक एक मनुष्य हो गया विशेष, घटक तो जाति घट हो गया विशेष, घटक तो जाति पशु तो जाति पशु हो गया उसका विशेष। इस प्रकार से सारा संसार में हमको सामान्य और विशेष रूप में सारा वस्तु दिखाई पड़ते हैं और आप बोलते हो कि इसका निरोध करने का आवश्यकता है, आत्मा जी विशेष है कैसे हो सकता है। इसलिए बोलते हैं सामान्य विशेष आत्मक वस्तु नाना रसम इति मतेर निरोधादेशु साध्यत्वात् इति आशंक आह है ना। सामान्य विशेषात्मक वस्तु क्योंकि कारण में कार्य में जो कुछ दिखाई पड़ता है कार्य में जो कुछ दिखाई पड़ता है कहाँ से आता है कारण से आता है। आपका जो आपने जगत के अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म अथवा आत्मा को मानते हैं सारा जगत आपको सामान्य विशेषात्मक रूप में दिखाई पड़ता है तो उसी में भी तो सामान्य विशेषात्मक होना चाहिए, इसलिए इस प्रकार निरोध की आवश्यकता है।
ऐसा मानने वाले बाकी को मत उठा करके हमारे ऊपर शंका करते। इसलिए बोलते हैं सामान्य विशेष आत्मकम वस्तु नाना रसम अनेक रस वाला दिखाई पड़ते हैं, और आप बोलते हो कि एक रस मत एक ऐसे वेदांत सिद्धांत उल्टा उल्टा बोलने वाला नाना रसम ये मत ही इनकी मत में जीरो भाव है। जो अनेक मानते हैं सामान्य विशेष वस्तु को मानते हैं वह फिर जीरो उत्पत्ति बद्ध साधक प्रमुख सब सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार को सिद्ध करना आसान हो जाने के कारण ये आशंका उसका उत्तर में हमारे कारिका का इस कारिका को अगले कारिका को देखेंगे। इसके ऊपर 9, 10, 11 ये टिप्पणी दिखाई पड़ रही है, ठीक है। 9 नंबर टिप्पण सामान्य विशेष आत्मा का व्यक्ति मतलब धर्म धर्मी आत्मा का व्यक्ति अर्थ धर्मी क्या हो गया जिसमें रहते हैं कुछ धर्म उसको बोलते हैं धर्मी, और जो रहते हैं हो गया धर्म। तो घट हो गया धर्मी, घटत्व तो हो गया धर्म, मनुष्य हो गया धर्मी मनुष्यत्व तो हो गया धर्म, पशु हो गया धर्मी पशुत्व तो हो गया धर्म। इसी प्रकार का हमें दिखाई पड़ते हैं सामान्य भी यानी सामान्य हो गया जाति विशेष हो गया व्यक्ति, ठीक है। सामान्य हो गया जाति विशेष हो गया व्यक्ति तो टर्म को समझ जाएंगे तो शब्द समझ में आ जाता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे सामान्य विशेष आत्मा का धर्म धर्मी आत्मा का व्यक्ति अर्थ। आपने यहाँ पे देखिए इसका अर्थ काटे जाए घटत्व घटादि रूप में व्यक्ति घटत्व हो गया धर्म और धर्मी हो गया घटादि रूप जानती इसका विभिन्न लगा ना। 9 नंबर टिप्पणी ये अपने आप ये धर्म और धर्म धर्म कौन हो गया घटत्व तो के जाता स्वभाव का चल घटत्व धर्म घटत्व पशुत्व मनुष्यत्व है ना पुरुषत्व मुखशुद्ध ये सब धर्म है। मुखशुद्ध बोला ये भी धर्म है और धर्म की कोई मुमुक्षु व्यक्ति ने मुमुक्षु धर्म दिखाई पड़ता है इसलिए ये तो सामान्य रूप से दिखाई पड़ता है। निषेध कैसे करते हो आवश्यकता नहीं कैसे बोल के बाद सुशब्द है ये मतलब इसको सिद्ध करना आसान है यही दिखाई पड़ते हैं आपको दिखाई पड़ते और आप बोलते हो कि कुछ आवश्यकता नहीं है निरोध करते ये कैसे हो सकता है। किसकी मत है भक्ति प्रपंच वेदांत एक देश वेदांत को पूरा नहीं समझता एक देश को लेकर के चलता है भक्ति प्रपंच बोलते हैं और कुछ बोलते हैं माते इतिहा उनकी मत में इतिहा था। अब आइए देखिए श्लोक क्या बोलते हैं यहाँ भी जो प्रतीक है श्लोक का प्रतीक है भावे रसत भीरे वाय भावे रसत भीरे वाय मध्येन च कल्पितः भावाप्यद्वयेनैव तस्मादद्वयता शिवा भावे रसति देवाय मध्येन च कल्पितः भावाप्यद्वयेनैव तस्मादद्वयता शिवा। जो भी भाव वस्तु दिखाई पड़े ना भावे असत भी ये असत भावात्मक वस्तु जैसे व्याघात दोष के सभी जब तो बोलते हो भावात्मक हर जगह बोलते असत मतलब क्या हो गया प्रतीति है परंतु पारमार्थिक सत्य नहीं भाव ही मतलब विद्यमान ही परंतु विद्यमान तक कैसे असत विद्यमान असत असत्य भगवान श्री कृष्ण क्या होता है असत विद्यते भगवान भगवान विद्यते असत वस्तु में विद्यमान ही नहीं होती और इसके ही मिथ्यात्व है यही मिथ्यात्व है विद्यमान नहीं है परंतु प्रतीति होती है साम्राज्य के ऊपर दिखाई दे रहा है सर पर नहीं प्रतीति हो रही सर इसलिए भावे असत भी दोनों तृतीय बहुवचन है और असत भी भावे एव अयम ये जो आत्मा इस प्रकार मतलब जो सतरूप है परंतु असत भाव उसको परम कल्पना करते हैं अद्वयन च कल्पित और फिर जो द्वैत अद्वितीय भी कल्पना है अद्वयन च मतलब अभेद रहित रूप में ये भी कल्पना है आपने तो कुछ है नहीं कि भेद का सब शास्त्र ही बोलते हैं सारा शास्त्र वास्तविक कल्पित है और तो आप ऐसा बोल रहे असत हमें तो सारा वस्तु है करके प्रतीति होती है आप बोल तो असत इसको निषेध कैसे करोगे बिल्कुल सही कहा
क्योंकि जिसके ऊपर प्रतीति हो रहे वो है आत्मक है। जिस अधिष्ठान के ऊपर जगत की प्रतीति हो रही है वो अधिष्ठान सदात्मक है, इसलिए उसके ऊपर कल्पित सारा वस्तु सत रूप में प्रतीत होती है। इसलिए बोलते हैं भावा अपि अद्वैनैव, वो जितना भाव वस्तु आपको दिखाई पड़ रहा है वो अद्वैति के साथ एक होने के कारण वो सत रूप में दिखाई पड़ते हैं। इसलिए कल्पना कल्पना कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु ये समझ में आ कि ये कल्पित है, ये पारमार्थिक नहीं है ना, ये कल्पित है। तस्मात् अद्वैता शिवा, इसलिए इस अद्वैत के भेद रहित भावी कल्याणकारी है। भेद देकर के सारा झंझट आप देखिए व्यवहारिक जगत में जहाँ कहीं भी आपको परेशानी दिखाई पड़ता है ये मत विवाद कर, क्यों भेद बुद्धि को नहीं। ये वेदांतिक इसलिए एकत्व दर्शन इसमें मुक्ति मजाक नहीं बोलता हूँ, जब तक ये जो है पुराण रहेगा तब तक जगत से भेदभाव मिट नहीं सकता। ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब जो मिलिटेंट नहीं सकता, ये एकत्व जब तक सिद्ध नहीं होगा तब तक शांति नहीं हो सकता। पहले से कितना पहले से लेकर बता दो एकत्व भेद बुद्धि को मिलेगा, भेद बुद्धि को नहीं कर सकता है। और सारा जगत जितना अशांति के कारण ये भेदभाव को लेकर जानते हैं वे भेदभाव को लेकर दिए, इसीलिए देखिए तस्मात् अद्वैता शिवा, ये एकत्व बुद्धि कल्याणकारी है। ना किसी घर में कोई नया व्यक्ति आया, घर परिवार एक साथ था, यदि कोई व्यक्ति नया आने के कारण परिवार में कुछ फूट होता है उस व्यक्ति को भी अच्छा बोलते हैं क्या, कोई नहीं होता है। तो जब हम इसको समझते हैं तब इसीलिए एकत्व हो एकत्व की भावना यही सबसे कल्याणकारी, यही कल्याणकारी है। कितना पहले देखिए हमारे पुरुष दर्शक को व्यवहारिक जगत आगे क्या होने वाली है उसको देख कर इसको मन में रख कर जो है इस अद्वैत भावना ही एकमात्र कल्याणकारी। ठीक है व्यवहार में आपका खेल होगा ये हम स्वीकार नहीं करते, परंतु पारमार्थिक दृष्टि हमारे साथ जगह हुआ होना चाहिए, पारमार्थिक दृष्टि हमारे जगह होना चाहिए। यही वेदांतिक ज्ञानात्मक विचार, यही वेदांतिक समाधि है। जब क्या बताया था हमारे को एक योगी और एक ज्ञानी में क्या भिन्नता होती है, एक योगी और एक ज्ञानी दोनों रियलाइज है, दोनों का मन नाश हुआ समान, मतलब साधन के द्वारा दोनों का मन नाश हुआ। योगी अपनी मन चित्तवृत्ति मन रखते हैं, चित्तवृत्ति को निरोध करते हैं। योगी चित्तवृत्ति निरोध कैसे करते हैं, असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि, ठीक है ना। इसे वेदांति कैसे चित्तवृत्ति निरोध करते हैं, ऐसे जगत के मिथ्यात्व निश्चय करके विचार पूर्वक जगत के, आप बताओ स्वप्नों में देखने के बाद सापनिक पर विवेकी व्यक्ति मतलब जगह छोटा बच्चों नहीं बनता, वो व्यक्ति सापनिक वस्तु को लेकर के कितना चिंता करता है, कभी नहीं चिंता करता। ठीक ऐसा ही देखो मनोचित्त वृत्ति अपने आप रुक जाएगी जब ये निश्चित चित्त इसको चित्त लेकर चिंतन करते हैं। मनोवृत्ति किसको लेकर के होते हैं, शरीर अर्थात संबंधित जो अन्य वस्त्र वसस्थान, परंतु जब आपका ये निश्चय हो जाएगा शरीर स्वयं एक मिथ्या वस्तु है, शरीर स्वयं एक मिथ्या वस्तु है, जब ये निश्चय हो जाएगा माया निर्देश से जग जाएंगे तो वृत्ति अपने आप रुक जाएगी। ये जो है ज्ञानी की दृष्टि और यह है, दोनों में कोई भिन्नता है नहीं है, मुक्त तो न हो जाए क्योंकि वो भी प्रकृति से पुरुष को अलग कर लिया, प्रकृति से पुरुष को अलग कर लिया, इसके प्रकृति चित्तवृत्ति है उससे अपने पुरुषत्व का अपने पूर्णत्व को समझ लिया, उनकी दृष्टि में प्रकृति रह जाएगा इसलिए चित्तवृत्ति को निरोध। हमारी दृष्टि में मिथ्यात्व निश्चय के कारण क्या हो जाएगा कि तत्संबंधित वृत्ति नहीं होगी, तत्संबंधित वृत्ति नहीं होगी। यही चीज जो है ये भिन्नता, इसलिए वेदांतिक सहज समाधि इसलिए हो जाता है आपका दृष्टिकोण सब पूरा रहेगा। हाँ भक्त क्या करेगा, सब जगह पे भगवान को ही केवल मात्र दिखेगा, भगवान ही सत्य है, ठीक है ना, और वही हमारा हर चीज रक्षा करते हैं। भगवान अपने आप बोलते हैं भक्त क्या करेगा, आप अपने भक्त क्या करता है, कोई व्यक्ति क्या प्रयास करता है, सारा प्रयास उसका योगक्षेम के लिए होता है, होता कि नहीं होता। मन अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और प्राप्ति की रक्षा में पूरा जीवन बिताता है,
और जब यदि आप भक्त हैं तो आप भगवत वचन में विश्वास होगा आपको। भगवान क्या बोला, योगक्षेम महामी, योगक्षेम महामी। तो जब आप यदि भक्त हैं तो भगवान हमारा योगक्षेम मानकर हमारे किस चिंतन मनोवृत्ति आपने आप लोग का भगवान नसीब हो जाएगा। कोई विरोध नहीं है इसमें, मतलब ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग, योग मार्ग किसी में भी जाओ, मूल सिद्धांत एक ही है। क्या है कि एक निष्ठा आना चाहिए, एकत्र निष्ठा आना चाहिए, बस एक निष्ठा लाइए, उसी से बाकी का इसलिए आप देखिए बोला कि भावे अशद वीरेव अयम अद्वैन च कल्पित भावा अपि अद्वैन एव ये भाव वस्तु जो है अद्वैत के ऊपर ही कल्पित होने का रूप शास्त्र में प्रतिपादित जो है। इसलिए तस्मात अद्वैतता सिवा, इसलिए जो भेद रहित का जो भाव अद्वैत अनुस्मृत है, जो भाव अद्वैतता, अद्वैतता का विश्व का दरिद्रता, दरिद्रता दिखाई पड़ता है क्या, दरिद्र व्यक्ति व्यवस्था को पता है ऐसा करके दरिद्रता अपनी भाव है ना, वही उन्हें दिखाई पड़ती है। घटक तो क्या है आप समझा नहीं पाएंगे, परंतु घर में रहने वाला धर्म क्या वह तो समझ में आता है। ये अद्वैत का क्या वस्तु है, यू कैन फील इट 100% मैं कह सकता हूँ। आपको लगेगा किसी को देख करके आपको मन में एक ऐसा भाव उठेगा, अरे ये तो हमारे स्वरूप, हमसे कोई भिन्न नहीं है, और ऑटोमेटिक मन में भाव है खत्म करते करते, मतलब चाहे आत्मभाव में देखो चाहे ईश्वर रूप में, यही जो कल्याणकारी स्थिति है और यही हमारे लिए मुक्ति के लिए हेतु होती है। एक नंबर टिप्पणी इसमें दिखाई दे रहा है, तस्मात अद्वैत, तस्मात मतलब सर्व कल्पना अधिष्ठान वा समस्त कल्पना की अधिष्ठान एक ईश्वर अथवा आत्मा अथवा ब्रह्म जो आप माने वही होने के कारण उसी भाव में मतलब उसी को मन में बैठा देना, यही कल्याणकारी है। जिसको आपने अपना इष्ट माना, जैसे आप भक्त के रूप में मीना जी को जहाँ कहीं देखे उनको क्या दिखाई पड़ता है, पुरुष नहीं दिखे, उससे भिन्न कोई पुरुष संसार में जाना ही नहीं ठीक है। और हमारे दृष्टि से तो आत्मा वो एक विशेष नाम रूप में, और हमारे दृष्टि से निर्विशेष में उसमें दूषिता से एक राम जी दिखा और कुछ नहीं दिखा। ये एक तो निष्ठा ही कल्याणकारी, ये कल्याणकारी मतलब मुक्तिदायक होते, इसलिए आप बोलते हैं यहाँ पे देखिए हमें जो भाव शब्द है ना, भावे अशब्द भाव क्या वस्तु है, व्यवृत्या विशेष है ना, वो विशेष मतलब भाव मतलब क्या हो गया, जो विशेष है जो दूसरे से आपको अलग करता है। भावा ऊपर एक भावा शब्द टीका का क्या लिख रहे हैं, भावा व्यवृत्या विशेष है ना, मतलब एक वस्तु से दूसरे से अलग, इसलिए वैशेषिक विशेष को पदार्थ मान लिया, सात पदार्थ में एक विशेष को पदार्थ माना। क्या है कि प्रत्येक वस्तु को भिन्न करके समझने के लिए अंत विशेष बोलते हैं उसको, उनका प्रश्न पूछते हैं गलत, आप बताओ विशेष के कारण भेद सिद्ध होता है कि भेद के कारण विशेष सिद्ध होता है, ये तो अनन्यास के दोष के तरह दशित है, ये सतत रूप से सिद्ध हो नहीं सकता है। व्यवृत्ता विशेषा भाव उसके मतलब क्या हो गया कि पृथक करने वाले जो विशेषता उसको बोलते हैं महाभाई। इसमें 12 नंबर में देखिए बोल रहे हैं टिप्पणी में कि विशेष इति धर्मी रूपा घटादयो भेदा इति अर्थ है ना, जो धर्मी घट उसमें रहते हैं जो विशेषता वो उसको यहाँ पे भावा शब्दों के द्वारा भेदा मतलब विशेषता, इसलिए धर्मी रूप का घटादयो भेदा धर्मी रूप से वर पर मर है ना, ये सब भेदा इत्यादि हो गया विशेष। अच्छा तेज व्यभिचारित्व अशांत रज्जु सर्वम, परंतु ये भाव वृत्ति इस समय आपको खरा रूप में दिखाई पड़ रहा है, वृत्ति का भी खरा हो जाए शरीर का खरा क्यों ना, थोड़ी देर बाद उसका विरूप हो जाता है, हाथ से गिरा तो घर मिट्टी का टूट जाएगा, स्टील का और चिप चिपक जाएगा। इसलिए इस प्रकार के रूप तेज और व्यभिचारित्वा इस प्रकार जो विशेषा वो विशेष स्वयं व्यभिचार करते रहते हैं असंत, इसलिए पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं होने के कारण यदि नहीं होता है वो असंत भवंती रज्जु सर्ववत, रज्जु ऊपर दिखाई दे रहे सर्व समान, वो हमेशा नहीं रहता,
जिस समय आपने देखा उस समय आपको दिखाई देता है, जब आप नहीं देख रहे तब भी आपको शक पर नहीं है, जब आपको ज्ञान हो जाएगा तभी शक पर नहीं है, तब हम स्वयं निश्चय भी कर लेंगे जिस समय मुझे दिखाई दे रहा है उस समय भी शक पर नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं रज्जु भाव जितना विशेष अथवा भाव दिखाई पड़ता है वो सब जो है रज्जु सर्प के समान कल्पित है, रज्जु सर्प के समान कल्पित है। आप खुद अपने में लगा करके देखते हैं जो भी कोई विशेष भाव में आपने कुछ मेहनत करके आपके ऊपर बौद्धिक योग्यता हो, शारीरिक योग्यता हो, गुणगत कुछ योग्यता आपने अपनाई, ये आपकी विशेषता है, ये अच्छा गाना गाता है, ये अच्छा बोलता है, ये अच्छा विश्लेषण करते हैं, मतलब ये अच्छा एक्टिंग करता है, ये अच्छा खेलता है, तो हम ये विशेष रहने वाला नहीं है। जो इस प्रकार परिवर्तन इसी परंतु जिस अधिष्ठान के ऊपर ये विशेष परिवर्तन होता रहता है वो अधिष्ठान उसको परिवर्तन है, वो हमेशा एक रूप रहता है। मैं पहले अच्छा गाना गाता था, अभी गला खराब हो गया, अभी मैं गा नहीं सकता। देखिए मैं पहले गाता था अभी गा नहीं सकता हूँ, गा सकता था गा नहीं सकता हूँ, इन पर दोनों का अधिष्ठान मैं लगा के जा नहीं है। बस इस मैं को समझना है, इस मैं को समझना है, यही वेदांत है। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे कि तेज अव्यभिचारित तेज व्यभिचारित संत रज्जु सर्प। अब ये हो गया बारह नंबर टिप्पणी भी हमने पढ़ लिया, बारह विशेष धर्म रूपा घटा रहे और भेदा ही दिया। ठीक है, अद्वयम अनुवृत्तम सामान्य विशेष आकारे अवस्तु भूते सामान्य आकारे न तादृशेन अयम अव्यवृत अनुगत पूर्ण सत्ता चिर एकता सन आत्मा एव मूढ़े मूढ़ महात्मा कल्पते। ये जो सामान्य और विशेष है ना, ये कहाँ कल्पना करते हैं, अधिष्ठान तो एक ही है ना हमारे पास। ये अद्वयम, अद्वयम मतलब जो भेद भेद राहित, अनुवृत्तम, अनुवृत्तम मतलब जो सबके अंदर अनुसूत रहता है, तो अनुवृत्तम जैसे गुप्त जाति सामान्य अनुवृत्तम बोल जाए सामान्य बोल जाए मतलब बोल जाएगा अनेकों में रहने वाले सामान्य गुण मनुष्यत्व जाति गोत्र जाति उद्भिदत्व पशुतत्व ये जो है ये अद्वय ही भेद राहित तो ही उसके अंदर अनुवृत्त होकर के सामान्य विशेष आकारी और सामान्य रूप में विशेष रूप में सामान्य रूप हो गया जाति विशेष हो गया व्यक्ति ठीक है ना आकारी अवस्तु होते ही वो अद्वय जो है जो पारमार्थिक नहीं है इस प्रकार से व्यक्ति और जाति रूप में कल्पित होते हैं अवस्तु होते ही सामान्य आकारे न च विशेष रूप में और विशेष आकारे और सामान्य आकारे न च अवस्तु होते सामान्य आकार से तादृशेन उस रूप से अयम ये उस रूप से ये जो ये कौन है जो अव्यवृत्त अनानुवृत्त मतलब जिसमें कोई विशेष और सामान्य नहीं है। व्यवृत्त मतलब विशेष, सामान्य मतलब कॉमन विशेष मतलब जाति और अव्यवृत्त अनुगत मतलब जिसमें विशेष भी नहीं है सामान्य भी नहीं है। अनुगत मतलब सामान्य सबके अंदर रहता है जाति, यहाँ शब्द प्रयोग किया फिर यहाँ पे शब्द ध्यान देखना व्यवृत्त और सामान्य क्या बोला था वहाँ पे व्यवृत्त और सामान्य व्यवृत्त मतलब हो गया विशेष और सामान्य मतलब सब में रहने वाला जाति है ना। यहाँ पे बोलो ना मैं तो पहले सामान्य विशेषात्मकम पहला शब्द प्रयोग किया सामान्य विशेषात्मक सामान्य हो गया अनुगत और विशेष हो गया व्यवृत्त और अनुगत अव्यवृत्त शब्दों को ध्यान दीजिए। अनुगत मतलब क्या है जिसमें कोई सामान्य विशेष कुछ भी नहीं है ठीक है। क्या बोल के आए थे सामान्य विशेषात्मक सामान्य नौ नंबर टिप्पणी क्या लिखा था शब्द धर्म धर्मी घट घटत्व आदि यानी कि सामान्य हो गया घटत्व जाति और विशेष हो गया घट जो सामान्य है वो अनुगत है ये तो सामान्य नहीं है मतलब अनुगत अव्यवृत्त मतलब विशेष है तो अव्यवृत्त मतलब इसमें विशेष नहीं है। नहीं आ रहा समझ में शब्द को ध्यान दीजिए तब आपको समझ में आएगा यहाँ पे नहीं तो आप लगे ये क्या बोल रहे हैं। तो अद्वयम अनुवृत्तम सामान्य भेद रहित जो सब में अनुगत है अनुसूत है वो सामान्य विशेष आकार है वही विशेष रूप में अवस्तु होते मतलब जो पारमार्थिक नहीं है सामान्य आकार है न मतलब जिस समय आपको घट दिखाई दे रहा है उस समय घटत्व जाति मनुष्य दिखाई दे रहा है मनुष्य मतलब आपको कभी भी वस्तु में शक्तिग्रह होगा जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्तिग्रह होता है। एक बच्चे को अपने पुस्तक में पढ़ा रहे
ए ए फॉर एपल, बी बी फॉर बॉल, सी सी फॉर कैट, आपने सिखाया। एक पुस्तक में केवल मात्र कॉपी में देखा, पर उस कैट को देख करके उस बच्चे के मन में क्या होता है, मतलब बिल्ली तो जाति के साथ बिल्ली क्या वस्तु उसका बोध होता है, क्योंकि वो बिल्ली को बाहर नहीं देखता, बच्चा वो बिल्ली बाहर नहीं देखता, दूसरा बिल्ली अथवा गाय सी फॉर काउ अथवा कैट उसको देख कर मम्मी मम्मी गाय, पुस्तक में तो वो खाओ गाय नहीं देखा, वो कैसे उसका समझ में आ गया, मतलब जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति ग्रह होता है, जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति ग्रह होने के कारण तब जाति और वस्तु को देख करके ये उसी व्यक्ति है, उस व्यक्ति इस निश्चय होता है, परंतु ये जाति और व्यक्ति दोनों ही आत्मा के ऊपर कल्पित है। तो अनुगत मतलब तो क्या हो गया जाति, और व्यापृत मतलब विशेष व्यक्ति, तो अनुगत अव्यापृत मतलब जिसमें कोई सामान्य और विशेष दोनों नहीं है, ये हो गया आत्मा, दोनों आत्मा में कल्पित है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं अद्वयम अनुवृत्तम सामान्य विशेष आकार अवस्तु होते सामान्य आकार कल्पित, मतलब ये अध्ययन करके यदि मूढ़ मुहात्म कल्पत, यहाँ पे जाके आकार कल्पते मूढ़ ही कल्पते, कल्पना किया जाता है, तादृशेन अयम ये जो हमारे आत्मा है अव्यापृत अनुगत मतलब विशेष और सामान्य से रहित, अव्यापृत अनुगत पूर्ण सत्ता, चित एकता में एक पूर्ण सत्ता मात्र है और चैतन्य की एक रसता है, प्रज्ञान घन एव आनंद घन एव, चित एकता सब ऐसा होता हुआ आत्मा एव वही शुद्ध आत्मा ही मूढ़ अविवेकी व्यक्तियों के द्वारा मोह महात्मा जन्मांतरीय संस्कार के मोह के कारण एक सामान्य और विशेष की कल्पना करते रहते हैं, सामान्य और विशेष की कल्पना करते रहते हैं। कितना एक ही सेंटेंस में कितना सुंदर समझा, देखिए अद्वयम और अनुवृत्तम सामान्य विशेष आकार अवस्तु भूते सामान्य आकार विशेष 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 आकार के द्वारा सामान्य आकार के द्वारा तादृश, देखिए विशेष आकार के द्वारा बहुवचन प्रयोग किया कि कोई व्यक्ति कहना चाहता है, सामान्य आकार के द्वारा जाति कहना चाहिए, एक वचन प्रयोग किया, समझ मारे आपको एक जाति में किसी सामान्य आकार तादृश न अयम अन्याय होगा ये आत्मा का, यहाँ पे अयम आत्मा अव्यापृत अनुगत मतलब जिसमें कोई विशेष और सामान्य कुछ भी नहीं है, क्या है पूर्ण सत्ता, एक पूर्ण सदात्मक है, चित एकता चैतन्य से भरा हुआ है, सन होते हुए कोई आत्मा ही मूढ़ अविवेकी व्यक्तियों के द्वारा मोह महात्मा क्यों कल्पना करता है, जन्मांतरी संस्कार से यही मोह है, यही मोह है, परिच्छन मान की व्यवहार करना उसके वो कल्पना करते रहते हैं। वहाँ पे देखिए 13 नंबर टिप्पणी क्या बोलते हैं, अद्वयम इति अस्य व्याख्यानम अनुवृत्तम इति मतलब अनुगतम, ये अद्वय का ही व्याख्या ही है, ये अनुवृत्त मतलब भेद रहित तो ही सब में अनुसूत है, भेद रहित जो आत्मा है वो सब में अधिष्ठान सब में अनुसूत है, अधिष्ठान सब में अनुगत है, वहाँ पे इसलिए बोलते हैं अनुवृत्त मतलब अनुगत है, वहाँ पे अनुगतम जन आकार घटादि विशेष व्यावर्तन्ते, कौन आकार देना वहां पे बोलते अव्यापृत विशेष आत्मा की भीषण देने के कारण अव्यापृत मतलब व्यावृत्ति आकार जो व्यावृत्ति मतलब व्यक्ति को विशेष करके अलग दिखाने के लिए जो आकार होता है घटादय विशेषा उसको निषेध किया जाता है, कोई भी विशेष आत्मा में नहीं है, और अनुगत विशेषण अनुगतम सामान्य गोत्र आदि व्यावर्तन्ते, टिप्पणी का तो स्पष्ट कर दिया आपको, मतलब अव्यापृत अनुगत अव्यापृत के द्वारा विशेष के निषेध किया गया है, घटादि व्यक्ति जो विशेष दिखाई पड़ता है, और अनुगत के द्वारा सामान्य जाति उसका भी निषेध कर दिया गया है, ये दोनों को निषेध करने के लिए यहाँ भी आया हुआ है, अपने आप वहाँ पे कोमा करने तो मिल जाएगा अव्यापृत विशेषण व्यापृत आकार घटादय विशेषा व्यावर्तन्ते, एक सेंटेंस हो गया। दूसरे अनुगत विशेषण अनुगतम सामान्य अनुगत अनुगत क्या सामान्य गोत्र जाति अनुगत मतलब उसका निषेध जाति व्यक्ति दोनों का ही निषेध उसको निषेध किया जाता है। अव्यापृत अनुगत पूर्ण सत्ता चिंतन है क्या वहाँ पे एक शुद्ध सत्ता चैतन्य भरी एक पूर्ण सत्ता ही विद्यमान है सन आत्मा एवं वही एक शुद्ध चेतन तत्व ही अविवेकी व्यक्तियों के द्वारा अविवेक के कारण मोह महात्मा जन्मांतरी संस्कार की महिमा से वो वहाँ पे सामान्य विशेष की कल्पना करते हैं सामान्य की कल्पना करते हैं
इसलिए बोलते हैं आत्मभूय कल्पति न वस्तु तो सामान्य विशेष भाव अस्ति, है ना। पारमार्थिक दृष्टि से सामान्य विशेष भाव नहीं है, एक शुद्ध आत्मा ही है। इसलिए बोलते हैं न वस्तु तो मतलब पारमार्थिक दृष्टि से ध्यान रखना, व्यवहारिक दृष्टि से ठीक है, मानव व्यवहार करने के लिए तभी जाके व्यवहार होता है, व्यवहार में भेद है, व्यवहारिक मर्यादा के सामान्य विशेष भाव आत्मा में नहीं है, परमात्म में नहीं है। परस्पर आश्रयत्व अर्थ मतलब क्या है, सामान्य सिद्ध होगा तब वहाँ पे जाति सिद्ध कर पाओगे, जाति सिद्ध होगा तब सामान्य सिद्ध। इस प्रकार से अनन्य आश्रय 15 नंबर 53 में बोल रहे हैं परस्पर आश्रयत्व ज्ञातो मतलब बोध में अनन्य आश्रयत्व, ये जो जाति और व्यक्ति की बोध में एक दूसरे के ऊपर आश्रित है, ये हम समझ नहीं पाते। घटत तो जाति का बोध आपको तब होगा जब आप घट देख पाएंगे, ठीक है ना। तो आप घट देख पाएंगे तो घटत, आप घटत तो जाति का बोध आपका रहेगा तब आप ये घट है ये कह पाएंगे। घटत तो जाति किसी ने है तब जाके ये घट है तब कह पाएंगे, और घट है तब घटत तो जाति का बोध होगा। इस प्रकार एक दूसरे को आश्रित है ज्ञान तो बोध में, इसलिए बोलते हैं ज्ञान तो अनन्य आश्रय अधिकार्थ सामान्य व्यक्ति सामान्य भी घटत्वादी सकल घट व्यक्ति वृत्ति न ही तब सकल घट ज्ञान बिना ज्ञातम सत्य, ठीक है। देखिए समस्त घट के ज्ञान के बिना घटत्व जाति का बोध होना संभव नहीं है। इसलिए अगर सामान्य भी घटत्वादी घटत्व प्रकृत्व मनुष्य ये सब दे घट सकल घट व्यक्ति वृत्ति कहाँ रहते हैं, वो सारे घट में रहते हैं। नहीं तो वो जो घटत्व व्यक्ति व्यक्ति है सकल घट बिना समस्त घट को देखे बिना आप उसको समझ समझ नहीं सकते हो ज्ञान तो सकल घटस्य घटत्व विशिष्ट घट क्या होता है घटत्व का द्वारा विशिष्ट होता है। तो बड़ा यदि तद ज्ञान है इसलिए उस ज्ञान में घटत्व ज्ञान अपेक्षा है, घट ज्ञान के लिए घटत्व ज्ञान की अपेक्षा है और घटत्व ज्ञान के लिए घट आवश्यक है। बोध में अनन्य कोई भी वस्तु जो खंडन खंडन खाकर भरेंगे ना यदि कभी होता है तो उसमें सीहस्य नहीं, जितना पदार्थ ने नए दर्शन में आपने लाया सारा पदार्थ स्वतंत्र रूप से कोई सिद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए वो पारमार्थिक वस्तु नहीं है, व्यावहारिक है, कोई बात नहीं है। यदि अनन्य इस प्रकार से तो अनन्य आश्रय दोष है। आप देखिए फिर बोलते हैं टीकाकार ही जो श्लोक का अर्थ को अच्छी तरह समझेंगे, विशेषानाम असत्य कथम सत्य न व्यवहार से, जब कोई भी सामान्य और विशेष आप कह रहे हो कि नहीं है तो हमको तो सब है करके सत्य रूप में देखिए कैसा होता है। इसलिए होता है कि सत्य रूप अधिष्ठान के ऊपर प्रतीत होता है, अधिष्ठान के धर्म बताए गए वहां कल्पित वस्तु में। इसलिए आगे बोलते हैं विशेषानाम असत्य कथम सत्य न व्यवहार से, सत्य रूप में व्यवहार कैसा होता है। आशंका सत्य आदात्मे न कल्पितत्वात्, रज्जु के साथ तादात्म करके हमने सर्प की कल्पना की, इसीलिए सर्प कितना मोटा है जितना कहां जो रज्जु जितना मोटा है सर्प कितना लंबी है जितना रज्जु लंबी है। इसी प्रकार को सत अधिष्ठान के साथ तादात्म होकर के ये सामान्य विशेष दिखाई पड़ते हैं, इसलिए सामान्य विशेष में भी ये सत्यत्व बोध उत्पन्न हो जाता है। तेषां सत्येन व्यवसाय जितना भी वस्तु दिखाई पड़ता है सामान्य विशेषाणाम तेषां सामान्य भी सत्येन सत रूप में व्यवहार हो जाना युक्त संगत हो जाए। इति आह इसी को मन में रखते बोलते हैं भाव अपि अध्ययन एव, जो भी भाव वस्तु दिखाई पड़ रहा है ना वो अधिष्ठान भेद रहित तत्व उसी के ऊपर ही कल्पना होता है, इसके लिए सत के ऊपर ही कल्पित होती है, इसलिए वो भी सत रूप में ही प्रतीत होती है। तस्मात् अद्वैता शिवा, इसलिए वो जो भेद रहित जो भाव है कल्पना करो कभी कल्पयेत् च अभिशंकितः, कितना भी कल्पना कर रहे कोई बात नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जानते हैं कि अधिष्ठान मुझे मेरे ऊपर ही सारा कल्पित है। ये इसलिए तस्मात् अद्वैता शिवा भावा अनुगत सत्ता अनुगत सत्ताकारेण कल्पिता सत्य व्यवहार भवती इति शेष मतलब क्या होगा, उसके अंदर अनुगत है उस सत्य तत्व उस आकार के साथ ही कल्पित है, आकार ही न कल्पित है सत आकार से ही कल्पित हुआ, इसलिए सत्य व्यवहार भवती श्लोक में है करके सत्य रूप व्यवहार होता है इति शेष हो, ऐसा है आपको समझना पड़ेगा। भाव अपि अध्ययन एव कल्पिता सामान्य विशेष भावस्य कल्पितत्व अखंड एक रसत्वेन एक रसत्वे वस्तु न सिद्धे निरराधे दुस्साधनत्वम् उचितमिति फलितम् आह।
फलत क्या हो गया, उसमें क्या दिखाया था शंका, भक्ति प्रपंच में मत में क्या दिखाया था कि सारा सामान्य विशेष भाव में अनेक आकार जगत दिखता है, इसलिए निरोध आदि संभव है। और वेदांतिक दृष्टि पारमार्थिक में क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं तो क्या निरोध करोगे, किसका निरोध करोगे, इसलिए आगे बोलते हैं सामान्य विशेष भाव से कल्पित, सामान्य और विशेष जो भी भाव आपको दिखाई पड़ता है ये कल्पित होने के कारण अखंड एक रस तो शुद्ध सत्ता क्या है, एक अखंड एक रस प्रज्ञान भरे सत्ता न सत्य वस्तु न सिद्धे, उस प्रकार की वस्तु का सिद्धि हो जाने से निरोध आते, इसलिए निरोध उत्पत्ति बद्ध साधक मुक्त दुष्सत्तम दुस्साधनत्म उसको सिद्ध करना कठिन हो जाएगा, ये कहना उचित ही है। इसी फलित आवश्यक मन में रखते हुए वहाँ के ग्रंथ का क्या बोलते हैं तस्मादता शिवा, इसलिए भेद राहित्य की भाव ही सबसे कल्याण था, सबसे कल्याण था ये। अब यहाँ तक टीकाकार आपने आप श्लोक की अर्थ कर दिया, ठीक है ना, अब भाष्य का क्या होता है वहाँ पे आते हैं ना, श्लोक तात्पर्य दर्शयति, भाष्यकार अभी श्लोक की तात्पर्य हमको दिखा रहे हैं, श्लोक में अभिप्रेत अर्थ किया वो दिखा रहे हैं। पूर्व श्लोकार्थस्य हेतु महो, पहले श्लोक कैसा रूप, कौन सा श्लोक, ना निरोग न च उत्पत्ति न बद्ध न साधक न मोक्ष न विमुक्ति इत्यादि परमार्थ तत्व, ये जो आपने कहा ये प्रतिज्ञा है हमारी, आपको प्रतिज्ञा सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेतु देना पड़ेगा, हेतु है ये श्लोक, ठीक है। देखिए जहाँ पे जिस ग्रंथ को जिस शैली में कहा गया है ना, वो शैली को कैसे खोल देता है, प्रतिज्ञा किया आपने क्या कि आपने पहले दृष्टांत के माध्यम से समझा दिया, इसीलिए यहाँ भी वैसे ही घट रहा है, इसलिए निरोग उत्पत्ति आदि कुछ नहीं है, क्यों हेतु क्या है, क्योंकि हेतु ये दिखा है, क्योंकि सब एक अद्वैत भाव के वही कल्पित होने के कारण हेतु है, वहाँ पर सारे वस्तु कल्पित होने के कारण ये देखिए ना महाभारत नहीं आते हैं दुर्योधन के शायद, मतलब जहाँ पे पानी नहीं है पानी दिखाई दे रहा था, पर जहाँ पे पानी है वहाँ पे समझ में नहीं है, माया महा ये पूरा संसार यही उसका प्रतीक है। और दूसरे के व्यवहार को देख करके दूसरा हंसता है, मैं भी हूँ बाबा माया में फंसो, हमको समझ में नहीं है, लेकिन हमको दूसरे की माया तो हमको समझ में आता, अपनी माया तो हमको समझ में नहीं आता, ये सबसे बड़ी बात माया की नहीं माया और माया की नहीं, पूर्व श्लोक अर्थ स हेतु, पहले श्लोक में जो प्रतिज्ञा की है उस अपनी प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए हेतु वचन है, ये क्या है आपको अनुमान के द्वारा तो पांच अवयव वाले अनुमान होते हैं, प्रतिज्ञा दृष्टांत तो हेतु उपनय निगमन है ना, तो आपने प्रतिज्ञा किया कि जगत में उत्पत्ति आदि होना संभव ही नहीं है, क्यों, क्योंकि सारा कल्पित है पूर्व पर ग्रंथ ठीक से समझ के अपने अर्थ बैठा लेंगे ना तो आपको लगेगा कि कितना लॉजिकल है, अब मन में बैठ जाएगा आपको जो मन लगा रहेगा वहां मन लगा रहेगा वहां ज्यादा भाषण टीकाकार क्या बोल रहे हैं, यथा से पहले टीकाकार कुछ लिखना चाहते हैं, देखिए निरोध आदि सर्व विशेष अभाव उपलक्षित वस्तु वस्तुभूतम इति पूर्व श्लोकार्थ तस्य सामान्य विशेष आत्मा के वस्तु ने विशेष अनाश्रित निरोधादि सुसाधनत्वात् असत्यम् आशंकते। देखिए टीकाकार क्या बोल रहे हैं, निरोधादि सर्व विशेष अभाव उपलक्षित निरोध हुआ उत्पत्ति हुआ विशेष भाव के द्वारा उपलक्षित जो वस्तु है समस्त विशेष निरोधादि सर्व विशेष अभाव, ध्यान देना समस्त विशेष सामान्य के अभाव से उपलक्षित जो वस्तु है आत्मा, वो आत्मा वो आत्म वस्तु वस्तु होता वही एकमात्र पारमार्थिक है, क्योंकि पूर्व श्लोक अर्थ पहले श्लोक में कहा गया है, ये जो बोला ये किस किस का अर्थ कर रहा है, पूर्व श्लोक अर्थ से हेतु मान भाषण क्या है, पूर्व श्लोक अर्थ से हेतु मान, तो पूर्व श्लोक में क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि निरोध आदि सर्व विशेष अभाव उपलक्षित निरोध का समस्त विशेष की अभाव से उपलक्षित जो वस्तु है वो पारमार्थिक है, कि पूर्व श्लोक अर्थ तस्व सामान्य विशेष आत्मा के वस्तु ने
विशेष अनाश्रित्य सामान्य विषयात्मक जो भी कोई वस्तु दिखाई दे रहा है उसको विशेष को आश्रय नहीं करके निरदादिर सुसाधनत्व निरदादिशित्व करना जब तक वो करोगे तब जाकर होगा सुसाधनत्व असत्यम असंकत वो होना संभव नहीं है। हम एक नंबर टिप्पणी देखी बोलते हैं सामान्य भी पहले ही बोलते हैं धर्म धर्मी विपत्ति तेरा तस्य साधन अपेक्षायाम तत् प्रदर्शन पर अयम श्लोक इसलिए जो है तेरा मतलब तत् स्वतस्य आशंकित उसकी जो है उसका वो पारमार्थिक सत कौन वस्तु है इसको शंका नहीं कि ऊपर जो दिखाई दे रहा है कोई पारमार्थिक सत ऐसा लग गया वो शंकित होने के कारण उसको सिद्ध करने के लिए क्या क्या प्रति कर दिया आपने जो सामान्य विशेष दिखाई दे रहा है वो पारमार्थिक नहीं है उसको सिद्ध करने के लिए साधन अपेक्षा मतलब वो जो वस्तु कहीं करके आया ये तो हमको दिखाई नहीं पड़ता तो कैसे सिद्ध हो इसीलिए उसको सिद्ध करने के लिए उसको साधन अपेक्षाया मतलब पूर्व श्लोक अर्थस्व उपादना अपेक्षा पूर्व श्लोक में जो कहा गया उसको प्रतिपादन करने की इच्छा से दो नंबर टिप्पणी को तीन नंबर टिप्पणी को देखिए मतलब पूर्व श्लोक अर्थस्य हेतु पूर्व श्लोक में जिस विषय को कहा गया है उस प्रतिज्ञा वाक्यों को पुष्ट करने के लिए हेतु दे रहा है इसलिए आप बोलते हैं कि देना इस कारण से मतलब तत्सत्व शंका शंकित देना वही पारमार्थिक सत्य ये शंकित होने का दिखाई नहीं पड़ता है उसको प्रामाणिक करने के लिए मतलब पूर्व श्लोक अर्थस्य उपवादन अपेक्षा है उसको प्रतिपादन कर प्रतिज्ञा वाक्यों को पुष्ट करने के लिए हेतु दिया जाता है उसके अपेक्षा से इस श्लोक को कहा जाता है साधन अपेक्षाया तत् प्रदर्शन पर उसके मतलब उस हेतु को दिखाते हुए वो का हेतु का बोधक अयम श्लोक ये श्लोक है यदि अंत ये सभी के तत् पूर्वार्थ गतानी अक्षराणी दृष्टांत अभष्टम हेन व्यतस्त इस श्लोक में पूर्वार्थ में कौन सा पद है भावे असद भी एव अयम अद्वये न च कल्पित है ना ये असत भाव वस्तु के द्वारा और भेद दोनों रूप से एक कल्पना की गई है अद्वैय मतलब जाति रूप में ही एक है और विशेष रूप में अलग अलग है इसलिए हमें बोलते हैं अद्वैय च कल्पित इसलिए हमें बोलते हैं तत्र मतलब यहाँ इस प्रतिज्ञा को पुष्ट करने के लिए जो हेतु दे रहे हैं उस हेतु में पूर्वार्थ जो श्लोक दिया गया है उस श्लोक में पूर्वार्थ बताने अक्षराने श्लोक में आप लोग के पहले आधा भाग में आए हुए जो अक्षर का पद है भावे रसत फिर अयम अद्वय न कल्पित ये भेद रहित और भेद मिला करके दोनों रूप में कल्पित किया भेद रूप में विशेष है और अद्वय रूप में जाति है ना कल्पित कल्पना की गई है इसलिए बोलते हैं पूर्वाक्षण दृष्टान्त अवस्टम मनुष्य दृष्टान्त को देकर के भगवान भाष्कर व्याख्या करते दृष्टान्त अवस्टम दृष्टान्त को सहारा लेकर के उसका व्याख्यान करते यथा यथा आ जाइए भाष्य यथा रज्ज्वाम जिस प्रकार रज्ज्वाम ये कौन सा विभक्ति वचन होना चाहिए बोलिए ना हमारा क्यों है रज्ज्वाम सप्तमी एक वचन नद्याम गे राम नद्याम नहीं भक्त आए नहीं आपके पास सूत्र आम है तो रज्ज्वाम मतलब रज्जु में यथा रज्ज्वाम असद भी सर्वदारादि भी असद जो वहाँ पे विद्यमान नहीं है कौन कौन है सर्प जलधारा भूछिद्र माला दंड सारा इसको सर्प धारा देवी अद्वयेन च मतलब रज्जु रूपेण रज्जु अद्वयेन सता रज्जु द्रव्येन सता रज्जु द्रव्य के रूप में भी ये दोनों मतलब अधिष्ठान में एक जाति भी का एक ही है वो मतलब उसको हम जाति और व्यक्ति दोनों कल्पना करते हैं कौन हो अधिष्ठान ही और अब एक भेद भी जिसके ऊपर दिखाई दे रहा है वहाँ पर रज्जु का इधम अंश भी है ये है ये है ये है देखो दोनों रूपों के व्यवहार कर रहे हैं ये सर्प है ये भूछिद्र है ये माला है ये दंड है इस प्रकार से व्यवहार कर ये है रज्जु का अंश है तो सामान्य अंश है और ये जो दंड सर्प माला भूछिद्र ये जो है विशेष अंश है इस प्रकार ये और आसानी से समझ में आता है ये गन्ना है ये रस है ये गुड़ है ये चीनी है ये मिठाई है ठीक है ना देखो नाम रूप का परिवर्तन हो गया और ये है का परिवर्तन नहीं होना है ना और उसमें जो अनुश्रुत क्या चीज है उसमें अनुश्रुत क्या है मीठापन है कि नहीं
वो मीठा फल के अंश होता है, ऐसा नहीं पाता, समझ में आता किसी प्रकार से नीचे का ना ये है और उस मनुष्य क्या है सब मनुष्य क्या है। ये चीज यहाँ पे बोलते हैं तत्व पूर्वा तदाने अक्षर निष्ठा तमस्तम यथा रज्ज्वाम, इस प्रकार रज्जु में असत भी सर्पधारादि भी असत्य परिवर्तनीय सर्पधारादि के द्वारा अद्वैत च अभेद रहित रज्जु रूप में मतलब ये है ये रज्जु द्रव्य न सदा रज्जु तृतीय बोले रज्जु द्रव्य गाँव में विद्यमान इस रूप में क्या बोलता है अयम सर्प अयम धारा अयम दंड। देखिए ये रज्जु द्रव्य हो गया अयम और असत भाव हो गया सर्प अयम धारा अयम रज्जु की ये अद्वैत और भेद भाव ही अलग अलग है अद्वैत अयम धारा फिर अयम दंड की दीवा रज्जु द्रव्यमेव कल्पते अयम सर्प इयम धारा इयम धारा ते इयम धारा अयम धारा से लिंग है ना इयम धारा अयम दंड की दीवा रज्जु द्रव्यमेव कल्पते रज्जु द्रव्य ही इस प्रकार से कल्पना किया गया। ठीक इसी प्रकार से हमारा कल्पना कहाँ से शुरू होता है कल्पना शुरुआत कहाँ से है सृष्टि का पहला जीव कौन है निरंतर इसे समझ के प्राण से जो है ना प्राण से प्राणादि भी अनंत ही अशत भी एवं अविद्यमान परमात्म है ना जो ये प्राण निरंतर गर्भ से लेकर के चीत तक जो भी हम कल्पना करते समस्त में बोल रहा हूँ यहाँ पे पहले शरीर में प्राणी आता है पहले प्राण आता है कल्पना शुरू होता है इसलिए एवं प्राण आदि प्राण आदि अनंत ही असत्य अनंत अविद्यमान वस्तुओं के द्वारा ही एवं अविद्यमान वस्तु है उपकल्पति उपजन रज्जु द्रव्यम एवं कल्पति इसी प्रकार अद्वय आत्मा ही उपकल्पति है ना विद्यमान न परमार्थ तो परमार्थिक वहाँ पे नहीं है। अच्छा अब ये कब दिखाई देता है आपको ये मुख्य चीज है जो भी आपको जगत दिखाई देता है कब दिखाई देता है नह्यस्ति अविद्या मनुष्य अंतरेण मन ही अविद्या भगवंत हेतु तस्मिन् विजृंभते सकलं विजृंभते तस्मिन् विनश्यति सकलं विनश्यति। जगत जैसे आपका मन मुंह खोलते हैं तब सारा संसार दिखाई पड़ता है मन का मुंह बंद कर दो कुछ नहीं दिखाई देता ठीक है ना। आप ध्यान में बैठो समाधि में बैठो सुषुप्त में जाओ आपको जगत कुछ नहीं दिखाई पड़ता जैसे ही आपके मन की मुंह खोली तब आपको सारा मैं शरीर में तादाद पकड़ के सारा जाता हूँ तो ये मनोनाश है ना चाहे योग दर्शन की समाधि के माध्यम से अथवा विचार दृष्टि से जगत के व्यक्तित्व को निश्चय के माध्यम से मन जाएगी नहीं करते अपनी वस्तु को लेकर हम दिन भर विचार नहीं करते। ठीक इसी प्रकार से यदि हमारे जागतिक वस्तु संबंधित मिथ्यात्व तो निश्चय हो जाता है मनोवृत्ति अपने आप जागतिक वस्तु को इतना परेशानी के कारण नहीं होता सबसे परेशानी के कारण ये भैया सबको बैठा हुआ है ना इसी को रक्षा के लिए सारा चिंतन भविष्य का पूर्व भविष्य करता रहे जब कभी भी आप पूर्व भविष्य चिंतन करें तो देखना अपना शरीर भाग्य पहले लेकर इसलिए पूर्व भविष्य को छोड़ करके जहाँ तक हो सके प्रेजेंट में रहने का कोशिश करें और जगत इसके मिथ्या को निश्चय करिए हमारे मैंने अपने जन्मान के लिए संस्कार से कल्पना कर रखा ये भाव धीरे हो जाएगा कि तब संबंधित जो भी कोई कल्पना है निश्चय तो मनोवृत्ति आत्मा भी मनोवृत्ति जैसे ही मनोवृत्ति रुकता है शुद्ध मन में मतलब रहित जहाँ पे कोई मतलब तरंग आदि नहीं है उस प्रकार जो है तरंग तो समुद्र के ऊपर है नीचे जाओ शांत मन इसी प्रकार तरंग के ऊपर की जो वस्तु दिखाई पड़ती है इसमें थोड़ा मन के अंदर जाएंगे शांत है सबके साथ एक कर इसे होता है नहीं अप्रचलित मन से कश्चित भाव उपलक्ष्य हेतु सत्य के न चित जब तक मन आपके मुंह को नहीं खोलते तब तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई वस्तु नहीं देख सकता नहीं अप्रचलित मनसि कश्चित कोई भी व्यक्ति भाव उपलक्षित भाव उपलक्षित उसी भाव को अवलंबन करके संकट के अनुकूल आप किस चीज को कल्पना नहीं कर सकते क्यों वास्तविक न छ आत्मा न प्रचलन अस्ति आत्मा में कोई प्रचलन नहीं है केवल मन की प्रचलन आई है इसीलिए मैं बोला नहीं अस्ति अविद्या मनुष्य अंतरे ये अविद्या के रूप अगर आप देखना चाहते हैं कौन है हमारे मन ही नहीं अस्ति अविद्या मनुष्य अंतरे मन ही अविद्या भगवंत हेतु मन ही जो है अविद्या के रूप है आगे ही संसार बंधन के लिए हेतु
तस्मिन् वृज्जिम विद्य, मतलब जैसे ही मन आपके जम्भाई लेते हैं ना, मतलब मुंह खोलते हैं, जीव का धाता जो ज्ञान अर्चन आता है, मुंह खोलना था, जैसे ही मन आपके मुंह को खोलते हैं, सकल वृज्जिम सारा संस्कार निकल करके बाहर आता है, बाहर सारा प्रत्यु लग जाते हैं। तस्मिन् विनष्ट, यदि मनोनाश आप कर सकते हैं विचार पूर्वक, यदि बाहरी वस्तु में मिथ्यात्व तो निश्चय कर लेते हैं विचार पूर्वक, क्योंकि ये भी काम के प्रतिबंधता क्या हो जाएगा, धीरे धीरे तत्सम वृत्ति मन से नाश हो जाएगा, बस यही जो है ज्ञान की स्थिति। इसलिए बोलते हैं नहीं अप्रचलित मनसी कश्चित भाव उपलक्षित, अच्छा आत्मा ने प्रचलन नमस्ते, आत्मा तो पूर्ण है, व्यापक है, आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई वाइब्रेशन ये नहीं है, प्रचलन नहीं है। प्रचलित एक उपलब्धमान भावा न परमार्थ के संत कल्पित हो सकता है, जो प्रचलित होता है मन उसी के द्वारा ही ये भाव वस्तु को उपलब्धमान भावा, जो इस प्रकार देखिए ये अलग शांति जैसे बोलेंगे ना उसको मन में रखते हो, आपको यहाँ पे कोई सत्य दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा, जैसे ये पंखा घूमने लग जाएगा आपको क्या दिखेगा, एक सर्कल, सर्कल फॉर्म आपको देखने लग जाएगा। इसी प्रकार जिस प्रकार एक दो दंड की एक माथा में आपने थोड़ा कपड़ा गगन के लपेट के मिट्टी का तेल डाली और उसका आग लगा दी, फिर उस कपड़े उस डंडा को घुमाइए, कितने आकार वहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा, कितना आकार आपको दिखेगा वहाँ पर, और मत वो आकार ना उत्पत्ति हुई ना उसको नाश कर दूंगा, आपको घुमाना बंद कर दूँ। इसी प्रकार इस मन की जो वासनात्मक भ्रमण है ना, मन की जो विषय निमित्त वासनात्मक भ्रमण है, यदि इसको हम बंद कर सकते हैं कोई आकार नहीं दिखेगा, कोई आकार नहीं दिखेगा। ये भ्रमण कैसे निश्चय कर सकते हैं, क्योंकि ये मिथ्या है, इसलिए हमारे प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर सकता है। कोई वस्तु आपको मिला आपने रख दिया, जो दिन में खराब हो गया, आपका मन निश्चय हो गया क्या हो गया कि वो हमारा कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकता, क्या करें उस घर में सजा के रखेंगे, रोज सोचेंगे आए क्या हो गया मेरा वस्तु विचार जाने के, ठीक ऐसा ही ज्यादा जी वस्तु कोई हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते, निश्चय जाने पर अपने आप ही मन से उसका चिंतन कर, यही है जो हमारा प्रयोजन सिद्ध कर सकते हैं हमारा स्वरूप अथवा ईश्वर अथवा अपना ईश्वर उसकी चिंता करना। प्रचलित से उपलब्धमान बाबा न परमार्थ तो संतो परमार्थी के कल्प परमार्थी से कल्पना नहीं कर सकते, अतः असत फिर वो प्राणादि भावे अद्वैन जैसे रज्जु सत्पुज धर्माला दंड शुद्ध का, इसी प्रकार असत वस्तु प्राण मन इंद्रिय बुद्धि शरीर सब रूप में वो परमार्थिक आत्मा ही कल्पित है, च परमार्थ का आत्मना रज्जु वालात्मा की परमार्थ का रज्जु का समय है, सर्व विकल्प आस्पद होते ना अयम स्वयं एवं आत्मा कल्पित, समस्त विकल्प के आस्पद के रूप में स्वयं के रूप में यह आत्मा ही है कल्पना का अधिष्ठान है। इसलिए कल्पना करिए कोई बात नहीं है, परंतु ये जानकर के करिए इस कल्पना का अधिष्ठान मैं हूँ, जिस ये कल्पित वस्तु मंत्र समय भी प्रयोजित माना जाता है, तस्मात अद्वैता शिवा, इसलिए एकत्व की बुद्धि कल्याण का रखें रखें। हेतो यस्तं पुच्छाय पुच्छं परमं मुदमुहं पादपादैर्नतोऽस्मि ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं।